Dear students, in this period, I will teach you a poem. The name of the poem is We Are the Future. This poem is given in your workbook of English of class 12. Students, first of all, I will recite this poem and after then, I will translate it in Hindi. Let's start now. Not just you are, not just he or she, but we. We work as a team, we live by our creed, cause we believe that we are the future. That we are the future. We have the power, we have the strength, we will finish the race. No matter the length, we work together, a team as a whole, accepting every challenge, every aim and every goal. We are the future. We are the future. The future's unknown. It's a story untold. It's a movie unseen to be made by you and me. No matter what they tell you, our future is bright. We will face every hurdle. We will climb up the height. We are the future. We are the future. From cities and towns, here we have come together as one to build our nation. Young women and men walking hand in hand. We stand by our creed, proud to be Indian. We are the future. We are the future. Dear students, I have recited this poem. Now I translate it in Hindi. प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अभी इस कविता को आपको सुनाया. इसके पश्चात मैं आप लोगों को इसका हिंदी में अनुवाद बताता हूँ. देखिए, इस पोयम में 4 स्टेंजास दिए गए हैं, अर्थात 4 पद दिए गए हैं. पहला पद देखिए, नॉट जस्ट से लगा करके आर द फ्यूचर, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 लाइन का 1 स्टेंजा है. सेकेंड स्टेंजा यहाँ शुरू होता है, जो कि यहाँ से यहाँ सेकेंड स्टेंजा है. थर्ड स्टेंजा यहाँ शुरू होता है द फ्यूचर से, और ये यहाँ तक जाता है. और चौथा जो स्टेंजा है, फ्रॉम सिटीज से प्रारंभ होकर के यहाँ तक 4th स्टेंजा है. तो ये 4 पद दिए गए हैं. इन चारों पदों का हम हिंदी में आपको अर्थ बताते हैं. विद्यार्थियों, ये जो कविता है आपकी कक्षा 12वीं की अंग्रेजी की वर्कबुक में दिया गया है. और ये वर्कबुक में जो फर्स्ट लेसन है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, इसके अंतर्गत यह पोयम दी गई है. और इसको आपको भली भांति समझना चाहिए. विद्यार्थियों, आपकी वर्कबुक में कविता के जस्ट नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनका कि आपको आंसर लिखना है. तो सबसे पहले इसको हम हिंदी में भली भांति समझ लें, तभी दिए गए क्वेश्चन का हम आंसर सही लिख सकते हैं. चलिए देखते हैं. यहां पर नॉट जस्ट यू आर, फर्स्ट नाइट क्या है, नॉट जस्ट यू आर, अर्थात न केवल तुम. Not just he or she, न केवल वह और वह. यहां पर देखिए, he और she, अंग्रेजी में he और she दोनों का मतलब वह होता है, किंतु he का प्रयोग हम पुरुष के लिए करते हैं, पुल्लिंग के लिए करते हैं, और she का प्रयोग हम स्त्रीलिंग के लिए करते हैं. तो यहां पर ना तो कोई पुरुष ना तो कोई महिला. तो यहां पर देखिए, इस लाइन में क्या कहा गया है, ना केवल तुम, ना केवल वह अथवा वह, बट वी, केवल हम. यहाँ पर इन दो पंक्तियों में कहने का आशय यह है कि ना केवल तुम, ना केवल वह या वह, केवल हम सब क्या कहें, हम. यहाँ पर व्यक्तिगत किसी एक की बात नहीं की गई है, पूर्ण रूप से सभी लोगों की बात कही है. हम सब, हम बात करें हम सब की, ठीक है. वी वर्क एज अ टीम, हम सभी एक टीम अर्थात एक समूह की तरह काम करें. We live by our creed, और हम हमारे धर्म के अनुसार जीवन जिए. क्रीड यानी धर्म, संप्रदाय, मत.
तो उसके अनुसार हम जीवन जिए, काज वी बिलीव, जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिस पर हमारा विश्वास है हम उस धर्म के अनुसार जीवन जिए, दैट वी आर द फ्यूचर, क्योंकि हम भविष्य हैं। किसका भविष्य? हमारे देश भारत का भविष्य। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेंजा केवल इतना है, और इसमें जो बात कही गई है बहुत ही सारगर्भित बात कही गई है कि भैया इसमें हम किसी अकेले की बात ना करें, ना केवल तुम्हारी, ना केवल उसकी, और ना किसी महिला की, ना किसी पुरुष की, हम बात करें हम की, या केवल हम कहे, और हम सभी लोग एक टीम की तरह काम करें, और हम जो भी जिस भी धर्म पर हमारा विश्वास है उस धर्म के अनुसार हम जिए, क्योंकि हम भविष्य हैं हमारे देश का। ठीक है, जो अगला पद है वो क्या कह रहा है कि वी हैव द पावर, वी हैव द पावर, हमारे पास शक्ति है, पावर मतलब शक्ति, वी हैव द स्ट्रेंथ, हमारे पास ताकत है। इस पंक्ति में कहा गया है कि हमारे पास शक्ति है, हमारे पास ताकत है, वी विल फिनिश द रेस, हम दौड़ को पूरा करेंगे, वी विल फिनिश, हम पूरा करेंगे द रेस, दौड़ को, अर्थात जीवन में जो प्रगति की दौड़ है हम उसे पूरा करेंगे, नो मैटर द लेंथ, यहां पर दूरी की बात नहीं है, दूरी चाहे कितनी भी हो उसकी कोई बात नहीं है, हम दौड़ को पूरा करेंगे। वी वर्क टूगेदर, हम साथ साथ काम करें, वी वर्क, हम काम करें, टूगेदर साथ साथ, अ टीम एज अ होल, संपूर्ण टीम की तरह, एक इकाई की तरह हम क्या करें, काम करें। अगली पंक्ति में कहा गया है एक्सेप्टिंग एवरी चैलेंज, प्रत्येक चुनौती को स्वीकार करें, चैलेंज चुनौती, एक्सेप्टिंग स्वीकार करें, तो एक्सेप्टिंग एवरी चैलेंज, प्रत्येक चुनौती को स्वीकार करें, एवरी एम एंड एवरी गोल, प्रत्येक उद्देश्य और प्रत्येक लक्ष्य को, अर्थात प्रत्येक उद्देश्य और प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम क्या करें, हम प्रत्येक चुनौती को स्वीकार करें, वी आर द फ्यूचर, हम भविष्य हैं, हम भविष्य हैं। तो यह दूसरा पल था जिसका अनुवाद मैंने आपको बताया, बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही अच्छी बात पोएट ने यहां पर कही है। नेक्स्ट स्टेंजा क्या कह रहा है, यहां देखेंगे, द फ्यूचर्स अननोन, अर्थात भविष्य जो है वह अनजान है, जिसके बारे में हम नहीं जानते, अननोन यानी अबूझ है, जो भविष्य है हमारे लिए कैसा है, अबूझ है, इट्स अ स्टोरी अनटोल्ड, और इसकी जो कहानी है वो अनकही है, अनटोल्ड अनकही स्टोरी, कहानी काई कहानी, भविष्य कहानी, हमारी भविष्य कहानी अनकही है, इट्स अ मूवी अनसीन, इसकी जो मूवी है अर्थात फिल्म है जिसे कि हम चलचित्र कहते हैं वह क्या है, अनदेखी है, किसकी, भविष्य की, भविष्य की जो फिल्म है या इसका जो चलचित्र है वो हमारे लिए अनदेखा है, टू बी मेड बाई यू एंड मी, जो कि तुमसे और मेरे से बनती है, तुमसे और मुझसे बनती है, नो मैटर व्हाट दे टेल यू, कोई बात नहीं वे तुम्हें क्या कहते हैं, नो बेटा कोई बात नहीं, व्हाट दे टेल यू, तुम्हें वे क्या कहते हैं, आवर फ्यूचर इज ब्राइट, हमारा भविष्य सुनहरा है, हमारा भविष्य सुंदर है, ब्राइट है, चमकदार है, वी विल फेस एवरी हर्डल, हम प्रत्येक मुसीबत का, प्रत्येक कठिनाई का सामना करेंगे, यहाँ लिखा है हर्डल, हर्डल का मतलब कठिनाई या मुसीबत। ठीक है, तो इस पंक्ति में बहुत अच्छी बात कही गई है कि हम प्रत्येक कठिनाई का, मुसीबत का सामना करेंगे, वी विल क्लाइम अप द हाइट, और हम ऊंचाई पर चढ़ेंगे, देखिए क्लाइम अप चढ़ना, वी विल क्लाइम अप द हाइट, और हम ऊंचाई पर चढ़ेंगे, अर्थात उन्नति की ओर हम अग्रसर होंगे, वी आर द फ्यूचर, हम भविष्य हैं, हम भविष्य हैं। तो इस तरह यह तीसरा जो पद था, चौथा पद हम यहां देखते हैं, From cities and towns, here we have come. From cities, शहरों से, towns, नगरों से, शहरों से, नगरों से, here we have come. यहां हम पहुंच चुके हैं. Together as one, to build our nation.
एक इकाई के रूप में साथ साथ एक इकाई रूप में एक बनकर के टू बिल्ड अवर नेशन, हमारे देश का निर्माण करने, हमारे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब देखिए यहाँ दोनों पंक्तियों का अर्थ यह होगा कि शहरों से और नगरों से हम एक बनकर हमारे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हम यहाँ पहुंच चुके हैं। अगली पंक्ति क्या है, यंग विमेन एंड मेन, युवा महिलाएं और पुरुष वॉकिंग हैंड इन हैंड, हाथों में हाथ रखकर चल रहे हैं। वी स्टैंड बाय अवर क्रीड, हम हमारी धर्म हमारी संस्कृति के अनुसार हम खड़े हैं। प्राउड टू बी इंडियन, हमें भारतीय होने पर गर्व है, हमें भारतीय होने पर गर्व है। प्राउड टू बी इंडियंस अर्थात हमें भारतीय होने पर गर्व है। वी आर द फ्यूचर, हम भविष्य हैं, हम भविष्य हैं। तो विद्यार्थियों इस तरह इस कविता का मैंने हिंदी में अनुवाद आपको बताया। इसके पश्चात आपकी वर्कबुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हम आपको हल करके बताते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स दिस इज योर इंग्लिश वर्कबुक द स्पेक्ट्रम ऑफ क्लास 12th। द पोयम वी आर द फ्यूचर इज गिवन हियर। दिस पोयम इज रिलेटेड टू लेसन 1, टीच मी टू लिसन लॉर्ड। स्टूडेंट्स आई हैव ट्रांसलेटेड दिस पोयम इन हिंदी, नाउ आई विल आंसर द गिवन क्वेश्चंस। प्रिय विद्यार्थियों अभी मैंने आप लोगों को जो यह कविता दी गई है वी आर द फ्यूचर अर्थात हम भविष्य हैं, इसका हिंदी में अनुवाद बताया है। अब मैं आप लोगों को नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं इनके उत्तर बताऊंगा। देखिए यहां पर लिखा है नाउ आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए प्रश्नों के अब उत्तर दीजिए। यहाँ क्वेश्चन दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट में 9 क्वेश्चन में दिया हुआ है समराइज द पोयम इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस है, सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर पेंसिल से लिख देते हैं। इसके पश्चात आपको प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ करके उसका आंसर भी बताएंगे और उनका हिंदी में अनुवाद भी बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर को पेंसिल की सहायता से लिख दिया है। अब मैं प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पढ़ता हूँ, उसका हिंदी में अनुवाद बताऊंगा, साथ में आंसर भी पढ़ूंगा और उसका हिंदी में अनुवाद बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज वी वर्क एज अ टीम, व्हाट डज द पोएट रियली मीन बाय द वर्ड वी इन दिस लाइन। वी वर्क एज अ टीम, हम एक दल के रूप में कार्य करते हैं, इस पंक्ति में वी शब्द से कवि का वाकई में क्या अर्थ है। आंसर है द पोएट रियली मीन्स बाई द वर्ड वी दैट वी ऑल इंडियंस नॉट अलोन। इसका हिंदी में अर्थ होगा कवि का शब्द वी से वाकई में अर्थ है कि हम भारतीय हैं, कोई एक नहीं या अकेले नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मेक्स अ टीम अ होल, कौन सी बात एक दल को परिपूर्ण करती है या परिपूर्ण बनाती है। आंसर है वर्किंग टूगेदर अ टीम अ होल, साथ साथ काम करना या एक साथ कार्य करना एक दल को परिपूर्ण करती है, परिपूर्ण बनाती है। क्वेश्चन नंबर 3, वेल फेस एवरी हर्डल, व्हाट सॉर्ट ऑफ हर्डल्स द पोएट थिंक्स अबाउट। हिंदी में अर्थ होगा हम प्रत्येक मुसीबतों का सामना करेंगे, किस प्रकार की मुसीबतों के बारे में कवि सोचता है। इसका आंसर होगा हियर द पोएट थिंक्स अबाउट हर्डल्स ऑफ ह्यूमन डिफिकल्टीज, यहां पर कवि मानवीय कठिनाइयों की मुसीबतों के बारे में सोचता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ वी फेस ऑल द हर्डल्स सक्सेसफुली। हिंदी में अर्थ होगा क्या परिणाम होगा यदि हम सभी मुसीबतों का सफलतापूर्वक सामना करते हैं। आंसर है इफ वी फेस ऑल द हर्डल्स सक्सेसफुली वी विल गेट द सक्सेस। हिंदी में अर्थ होगा यदि हम समस्त मुसीबतों का सफलतापूर्वक सामना करते हैं तो हम सफलता प्राप्त कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5,
Where have we come from to build our nation? इसका हिंदी में अर्थ होगा हमारे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हम कहां से आए हैं. आंसर है वी हैव कम फ्रॉम सिटीज एंड टाउन्स टू बिल्ड अवर नेशन. हिंदी में इसका अर्थ होगा हमारे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हम शहरों और नगरों से आए हैं. क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑन व्हाट बेसिस कैन वी से दैट वी आर प्राउड टू बी इंडियंस. किस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमें भारतीय होने पर गर्व है. आंसर है इफ यंग मैन एंड वीमेन वॉक टूगेदर टू बिल्ड द नेशंस वी कैन से दैट वी आर प्राउड टू बी इंडियंस. इसका हिंदी में अर्थ होगा यदि युवा पुरुष एवं महिलाएं अपने राष्ट्र का निर्माण करने के लिए साथ साथ चलें तब हम कह सकते हैं कि हमें भारतीय होने पर गर्व है. क्वेश्चन नंबर सेवन वी आर द फ्यूचर. व्हाट आर द पोएट्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वी. हम भविष्य हैं कवि की वी से क्या उम्मीदें हैं क्या आशाएं हैं. आंसर है द पोएट एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस दैट वी गो अहेड ऑल टूगेदर. कवि की हमसे उम्मीदें हैं कि हम सभी साथ साथ आगे बढ़ें. तो ये सेवन क्वेश्चंस हो गए. अब क्वेश्चन नंबर एट देख लेते हैं. यहां पर फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पोयम विच मीन द सेम एज दीज वर्ड्स. फाइंड आउट खोजिए द वर्ड्स शब्दों को फ्रॉम द पोयम कविता से विच मीन्स द सेम दीज वर्ड्स जिनका अर्थ इन शब्दों के समान है. अर्थात कविता से उन शब्दों को खोजिए जिनका अर्थ इन शब्दों के समान है. अब देखिए यहां पर अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स आर रिलीजियस बिलीफ्स अर्थात सिद्धांतों या धार्मिक विश्वास या भावनाओं का जो समूह है उसे क्या कहा जाता है. तो कविता में एक शब्द आया है क्रीड CREED क्रीड. अब देखिए कविता में शब्द कहां आया है. क्रीड शब्द कविता के फर्स्ट स्टेंजा में भी आया है. यहां देखेंगे लाइन वी लिव बाई अवर क्रीड काज वी बिलीव इस पंक्ति में भी आया है. और लास्ट स्टेंजा हम देखेंगे इस लास्ट स्टेंजा में भी इस लाइन में आया है. देखिए वी स्टैंड बाई अवर क्रीड प्राउड टू बी इंडियंस. ठीक है दूसरे शब्द यहां देखेंगे प्रॉब्लम्स आर डिफिकल्टीज समस्याएं या मुसीबतें जिसको कि कविता में कहा गया है हर्डल्स. और हर्डल्स शब्द आया है थर्ड स्टेंजा देखेंगे यहां पर. ये लाइन है वी विल फेस एवरी हर्डल वी विल क्लेम अप द हाइट. ठीक है तीसरे शब्दों को देखेंगे टू गेट कनेक्टेड वेरी क्लोजली अर्थात बहुत ही घनिष्ठ रूप से संबंधित होना जैसे कि कविता में कहा गया है टूगेदर. और टूगेदर शब्द आया है लास्ट स्टेंजा में देखेंगे सेकेंड लाइन टूगेदर एज वन टू बिल्ड अवर नेशन. इस तरह से यहां पर तीन शब्दों के समूह दिए गए हैं. इन शब्दों के समूह के जो अर्थ हैं वो हमने कविता से शब्दों को खोज के आपको बता दिया है. आपको भी अपनी वर्कबुक में भर लेना है. नौवां क्वेश्चन है समराइज द पोयम इन अबाउट 80 वर्ड्स. कविता का 80 शब्दों में सारांश दीजिए. सारांश है यहां पर देखिए एज सिटीजन्स ऑफ अवर नेशन वी आर द फ्यूचर ऑफ इट. हमारे राष्ट्र के नागरिक के रूप में हम इसके भविष्य हैं. वी शुड वर्क एज अ टीम हमें एक दल के रूप में एक समूह के रूप में काम करना चाहिए. वी शुड रिमेन यूनाइटेड हमें सदैव एक बने रहना चाहिए. वी शुड ट्राई टू अटेन द गोल एंड एक्सेप्ट एनी चैलेंजेस ऑफ नैरो डोमेस्टिक वॉल्स ऑफ कास्ट कलर क्रीड रिलीजन लैंग्वेज और रीजनलिज्म. हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए और क्षेत्रीयवाद अथवा भाषा धर्म संप्रदाय मत रंग रूप जाति की आंतरिक संकीर्ण दीवारों की चुनौतियों को हमें स्वीकार करना चाहिए. दो अवर फ्यूचर इज अनोन यद्यपि हमारा भविष्य अज्ञात है यट इट इज ब्राइट यद्यपि यह उज्जवल है. वी विल क्लिम द हाइट
हम ऊंचाइयों पर चढ़ेंगे। वी विल मेक अवर नेशंस फ्यूचर ब्राइट, हम हमारे राष्ट्र का भविष्य उज्जवल बनाएंगे। वी विल ओवरकम ऑल प्रॉब्लम्स, हम समस्त समस्याओं पर विजय होंगे। वी आर प्राउड टू बी इंडियंस, हमें भारतीय होने पर गर्व है। विद्यार्थियों, अभी मैंने आप लोगों को वी आर द फ्यूचर, हम भविष्य हैं, इस कविता के जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आपको बताए। आशा है कि आपको इसका लाभ आपकी परीक्षा में अवश्य मिलेगा। अगले कालखंड में या अगले पीरियड में मैं आपको इंग्लिश के ही किसी नए प्रकरण के साथ पुनः मिलूंगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।